और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, जो कि गोरखपुर गौरक्षकनाथ मंदिर के रुद्र महायज्ञ में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने यहां के शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना की, पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के प्राण प्रतिष्ठा की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म रक्षा सब मिलकर भारत का कल्याण करेगी, और यही कारण है कि दुनिया में तमाम मजहब संप्रदाय आए और कुछ और समाप्त हो गए, कुछ अभी हैं और कुछ आने वाले समय में होंगे। उनकी विशिष्ट पहचान हो सकती है और कुछ देर के लिए भले ही बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म हर देश काल परिस्थिति में इसी प्रकार अपने वर्चस्व को बचाए रखेगा। 5 वर्ष पहले जो व्यक्ति चौक आया होगा, चौक आने 5 वर्ष के बाद कोई आएगा तो चौक को संभवतः पहचान नहीं पाएगा। पहले हम इसको चौक बाजार कहते थे, पहला गांव का नाम चौक था और फिर उसके साथ बाजार भी जोड़ देते थे, लेकिन अब ये सचमुच चौक से बाजार हो गया है। यहां पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी का यह मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर के कुंडोद्धार के साथ ही भगवान शिव के इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की पुनरुद्धार का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद यह कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है कि वहां पे आज से 5 साल पहले जब मैं आया था तब मैं देख रहा था कि वहां पे पवित्र ज्योतिर्लिंग था और खंडित हो गया था, तो मैंने यहां पर डॉक्टर एसपी सिंह जी से भी और यहां पर मंदिर के जो छावनी के कोठारी हैं फलारी बाबा से मैंने कहा था कि यहां पे दूसरा ज्योतिर्लिंग लगना चाहिए और मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए, और मुझे अच्छा लगा कि समय से कार्यक्रम को, दोनों कार्यक्रमों को, गोरखनाथ मंदिर का भी पुनरुद्धार हुआ है, नया स्वरूप मिला है, और साथ साथ यहां पर इस पूरे बाजार के का जो कायाकल्प हुआ ही है, भगवान शिव का भी नया मंदिर और नया ज्योतिर्लिंग की स्थापना विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ आज यहां पर संपन्न हो रहा है। यह भारत की ही परंपरा है कि हमने जीव मात्र के कल्याण की बात तो की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की, सबके सुख की कामना की है, और धर्म की रक्षा तो समाज ने मिलकर के किया है, पूरे समाज ने मिलकर के जब एकजुट होकर के अपने एकता के माध्यम से मार्ग आगे बढ़ाया है तो उससे कल्याण के अनेक मार्ग प्रशस्त हो गए। यही कारण है दुनिया के अंदर तमाम मत मजहब संप्रदाय आए, कुछ आए चले गए समाप्त हो गए, उनका नामो निशान मिट गया, कुछ हैं कुछ आने वाले समय में भी आएंगे, उनका विशिष्ट पहचान हो सकती है, कुछ देर के लिए भले ही बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म हर देश हर काल हर परिस्थिति में इसी प्रकार से अपने वर्चस्व को बनाए रखेगा, लोक मंगल की कामना को करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसमें हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने धर्म को मजबूती करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान लगातार तीसरे दिन जनता दरबार उन्होंने लगाया, यहां पर उन्होंने कई लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अपनी समस्या लेकर पहुंचे सभी लोगों के पास एक एक करके पहुंचे और उनके प्रार्थना पत्रों को लेते हुए सुप्रीम मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें समस्या के समाधान का भरोसा भी दिया। बताया जा रहा है कि जनता दरबार में बिहार से एक पहली महिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंची थी। उन्होंने इत्मीनान से महिला की समस्या सुनी। उन्होंने फरियादी महिला से पूछा कि क्या बिहार में उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है।
महिला की तरफ से नाम में जवाब देने पर उन्होंने उसका आवेदन अधिकारियों को हस्तगत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि इलाज में आर्थिक मदद संबंधी आवेदनों पर अस्पताल की प्रक्रिया को जल्दी पूरा कराकर शासन को भेजा दिया जाए।